इस सुपरस्टार ने दी थी पहली 100 करोड़ फिल्म, जाने 10 साल की ऐसी फिल्मों का लेखा जोखा। इन दिनों हर तरफ शाहरुख खान की फिल्म जीरो और रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा की खूब चर्चा हो रही है। लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि दोनों में कौन सी फिल्म ज्यादा कारोबार करेगी। ये साल हिंदी सिनेमा के लिए पिछले एक दशक का सबसे कामयाब साल रहा है। साल की सबसे बड़ी सरप्राइज हिट रही स्त्री। स्त्री को मिलाकर इस साल 11 फिल्में 100 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी हैं। साल 2018 में अब तक 100 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी फिल्में हैं पद्मावत, सोनू के टीटू की स्वीटी, रेड, बागीड, रेस 3, राजी, समझू, गोल्ड, स्त्री, बधाई हो और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। बात करें इससे पहले की तो 2017 में 8 फिल्मों यानी रईस, जॉली एलएलबी 2, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, ट्यूबलाइट, जुड़वा 2, टॉयलेट एक प्रेम कथा, गोलमाल अगेन और टाइगर जिंदा है ने 100 करोड़ से ऊपर का कारोबार किया। साल 2016 में 8 फिल्मों ने 100 करोड़ कमाए और इनके नाम हैं दशहरा लिफ्ट, हाउसफुल 3, सुल्तान, रुस्तम, एमएस धोनी, ए दिल है मुश्किल, शिवाय और दंगल। वहीं साल 2015 में 100 करोड़ से ऊपर कमाने वाली फिल्में रही तनु वेड्सम अनु रिटर्न्स, एबीसीडी 2, बजरंगी भाईजान, प्रेम रतन धन पायो, बाजीराव मस्तानी और दिलवाले। साल 2014 में भी 8 फिल्मों ने 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया और इस साल की 100 करोड़ी फिल्में रही दश जय हो, दो स्टेट्स, हॉलीडे, सिंघम रिटर्न्स, एक बैंग बैंग, हैप्पी न्यू ईयर और पीके। साल 2013 में 6 फिल्मों यानी ये जवानी है दीवानी, भाग मिल्खा भाग, चेन्नई एक्सप्रेस, क्रिश्तीन, गोलियों की रासलीला, रामलीला और धूम 3 ने 100 करोड़ या उससे ज्यादा कमाए। साल 2012 में 100 करोड़ कमाने वाली फिल्में रही अग्निपथ, हाउसफुल 2, राउडी राठौर, बोल बच्चन, एक था टाइगर, बर्फी, जब तक है जान, सन ऑफ सरदार और दबंग 2। साल 2011 में 5 फिल्मों दैश रेडी, सिंघम, बॉडीगार्ड, रावण, डॉन 2, साल 2010 में दबंग और गोलमाल 3, साल 2009 में 3 इडियट्स और 2008 में गजनी ने 100 करोड़ या उससे ऊपर का कारोबार किया था।